हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हैं। आज सिखाने जा रही हूँ एक और नई डिजाइन का ब्लाउज। ये देखें, बहुत ही सुंदर बना है। ये 32 नंबर के आएगा। मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शेयर करें, बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। ये देखो, ये हमने लंबाई इसकी बना ली है यहाँ से लेके यहाँ तक। अब हमें 3 अंगूर का बॉर्डर बनाना है और इसके फिंदे भी कम करने हैं, नीचे लूज हो जाएगा। तो फिंदे किस तरह से कम करेंगे, उल्टी साइड देखें, 2 का 1 इसी तरह से फिंदे हमें यहाँ पे 62 या 64 फिंदे रखने हैं, बाकी फिंदे हम कम कर देंगे 2 का 1 करते हुए। और बॉर्डर पे हमें अब उल्टा उल्टा बनाना है। सीधा बना चुकी हूँ, उल्टा उल्टा बनाना है। तो मैं ये पूरी रो कंप्लीट कर लेती हूँ, फिंदे कम कर लेती हूँ, फिर आपको बताती हूँ। ये देखें, फिंदे हमने कम कर लिए, तो 64 फिंदे यहाँ पे हैं। तो 64 फिंदे के बाद अब देखें, इस तरह से हमें उल्टा उल्टा बनाना है। तो 4 सलाई हम ब्लैक की निकालेंगे और 4 सलाई हम पिंक कलर की निकालेंगे। अब अभी हमें कोई फिंदे को कम नहीं करना है ना बढ़ाना है, सिर्फ बॉर्डर बनाना है। तो मैं बना लेती हूँ, फिर आपको। मैंने बॉर्डर बना लिया है, अब हमें 2 का 1 करते हुए इसको उतार देना है इस तरह से। तो मैं कर लेती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ। और थोड़ा हम टाइट उतारेंगे इसको। हमने ये पल्ला बना लिया है, इसी तरह से हमें दूसरा भी पल्ला बनाना है। सिर्फ हमें इसमें डिजाइन, ये हमने 3 बार डाली है, 1 2 3, तो यहाँ तक हमें पीछे वाले पल्ले में यहीं तक गले तक सिर्फ डिजाइन रखनी है। ये देखें, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 लाइनें ब्लैक की बनाते हुए फिर उसके बाद मैं प्लेन बना लूँगी। इस तरह से हमने इसको भी बना लिया है। देखो, इसको मैंने यहाँ पे गले पे छोड़ दिया है क्योंकि ये बैक साइड है, इसमें इसकी ज़रूरत नहीं है। तो ये कटोरी बनाने की ज़रूरत नहीं है पीछे वाले पल्ले में, तो यहीं तक हम गला को बनाएंगे डिजाइन को और फिर नीचे हम प्लेन बनाएंगे। तो ये देखें, दोनों पल्ले तैयार हो गए। अब मैं गला बताऊँगी, ब्लैक कलर से बनाना है। यहाँ से हम फिंदे भरेंगे इस तरीके से। इसी तरह मैं फिंदे यहाँ तक भर लेती हूँ, फिर आगे के फिंदे मैं आपको बताती हूँ। देखो, सेंटर का फिंदा ये है और बाकी फिंदे मैंने यहाँ से लेके यहाँ तक 46 फिंदे उठाए हुए हैं। अब 46 फिंदे हमें इधर उठाने हैं, तो गिनते हुए उठा लेंगे, 1 2 3 4, इसी तरह से उठा लेती हूँ, फिर दिखा। हमने फिंदे उठा लिए हैं, अब हमें पूरा उल्टा उल्टा बुनते हुए इसको कंप्लीट कर लेना है। पूरी रो इसी तरह से बिनेंगे, तो बिन लेती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ। ये देखो, अब सीधी साइड, तो सीधी साइड किस तरह से बनाएंगे हम उल्टे उल्टा। तो यहाँ तक आ जाती हूँ, चैन तक, फिर मैं आपको देखो चैन तक आ गई हूँ। अब ये देखें, चैन किस तरह से, एक फिंदे को हमने आगे की साइड से लिया, एक हम इधर की साइड से लेंगे, तो ये बीच वाला फिंदे को पलट देंगे, आगे की तरफ आ गया। अब ये 3 का 1 कर देंगे, बाकी फिंदे इसी तरह से रहेंगे। ये देखें, अब उल्टी तरफ से, उल्टी तरफ भी हमें 3 का 1 करना है। ये देखें, बीच का फिंदा मैं आगे साइड ले आई और इस तरह से आपको बना लेना है, नहीं तो फिर गला ढीला हो जाएगा। तो दोनों तरफ और गले को हमें ज़्यादा लंबा नहीं बनाना है, चौड़ा नहीं बनाना है, सिर्फ हमें 6 सलाई निकालनी है। बीच में हम 1 पिंकी निकाल देंगे, 2 सलाई पिंकी और ये 4 सलाई हम ऊपर नीचे निकालेंगे, टोटल 8 सलाई हो जाएंगी।
तो बस हमें इतना ही बनाना है इस गले को, ज़्यादा नहीं बनाएंगे। पूरी रो कंप्लीट कर लेती हूँ फिर आपको दिखाती हूँ। हमने दो सलाई निकाल ली, इसी तरह से दो सलाई हम निकालेंगे। यहाँ पे तीन का एक ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये चैन बनेगी तो यहाँ पे दो का एक करेंगे दोनों तरफ से, तीन का एक करेंगे तो ये चैन बनती जाएगी और बनता जाएगा। तो मैं बना लेती हूँ फिर मैं आपको दिखाती हूँ। देखो मैंने गला बना लिया है इसको, ये कंप्लीट हो चुका है। इसी तरह से हमने ये पीछे वाला भी देखो कंप्लीट कर लिया है, तो सेम तरीका बनाने का यही रहेगा। ये देखें हमने बना लिया है इसको भी, तो ये दोनों गला बनके तैयार हो गए हैं। अब मैं इसको मुड्ढे सिलूंगी, फिर उसके बाद इस तरह से मुड्ढे सिलना है। ये देखें एक हम इस तरह से लगाएंगे, उल्टे करने के बाद इसी तरह से इसको सिल लें। ये तो यहाँ से लेके पूरा सिलेंगे, फिर यहाँ से लेके इधर सिलेंगे, फिर उसके बाद मैं मुंडे बनाना स्टार्ट करूँगी। तो सिल लेती हूँ फिर आप देखो इस तरह से हम सिलेंगे। इसी तरीके से सिल लेती हूँ फिर आपको दिखा। देखो इस तरह से आपको सिल लेना है, तो मैंने सिल लिया ये देखे मिलाते हुए। इसी तरह से हम इधर भी सिलेंगे, तो सिल लेती हूँ फिर आपको। दोनों तरफ हमने सिल लिया है। अब मुड्ढे बनाने हैं, तो मुड्ढे हम किस तरीके से बनाएंगे आप देखें। यहाँ से ये देखें, यहाँ से हमने कंधे बढ़ाए हुए थे, ये देखें यहाँ से ये सीधा बनाया था, तो इतना ये मुड्ढे के लिए। तो यहाँ से हम कंधे भरते हैं ब्लैक कलर से, ये इसी तरह से मैं कंधे उठा लेती हूँ फिर आपको बताती हूँ कि मुड्ढों के लिए मैंने कितने कंधे उठाए हैं। हर एक चैन में से फिंदे को उठाते जाना है। तो मैं कर लेती हूँ फिर आपको देखें, बैक साइड जहाँ तक डिजाइन है वहाँ तक आपको फिंदे उठाने हैं। इधर देखें हमने तीन एक्स्ट्रा बनाई थी, तो तीन हमने लाइनें इधर छोड़ दी हैं, बाकी हमने फिंदे उठा लिए हैं। फिंदे हमने 84 फिंदे उठाए हुए हैं, हाफ हाफ फिंदे, 42 फिंदे इधर, 42 फिंदे इधर, तो हाफ हाफ फिंदे उठाने हैं और गिन के ही उठाइएगा। तो अब हमें उल्टा उल्टा बनाना है, और इसमें हम चार सलाई निकालेंगे, उसके बाद दो का एक करते हुए इनको उतार देंगे। इसको ज़्यादा नहीं बुनना है क्योंकि मुड्ढे हमारे थोड़े चौड़े हैं, इसलिए हम ज़्यादा नहीं बनाएंगे। तो मैं चार सलाई निकालने के बाद इसको दो का एक करते हुए उतार देंगे। इसी तरह से हम दूसरी साइड भी बनाएंगे, इतने ही फिंदों में बनाना है। तो मैं कर लेती हूँ फिर आपको दिखाती हूँ। देखो हमने मुड्ढे बना लिए हैं, सिर्फ हमने चार सलाई मुड्ढों में निकाली हैं, ज़्यादा नहीं निकाली हैं। अब इसे उल्टा करते हुए इस तरह से आपको सिल लेना है। ये देखिए ये देखें इसको मिलाते हुए सिलना है। ये देखें इस तरह से
तो मैं सिल लेती हूँ ऊपर तक। फिर आप इधर सिल लिया है, अब इधर भी इसी तरीके से सिल लेती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ। ये देखो हमने बना लिया है, पूरा कंप्लीट हो चुका है ये। इसकी फिटिंग भी बहुत सुंदर आई हुई है।